दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नेक कटिंग का थोड़ा टिप्स देता हूँ, जो कैनवास में किस तरह नेक काट सकते हैं हमें इजीली, वो इसी तरीके में आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, ये गम वाला साइड है कैनवास का। इसी तरह कैनवास लेके हम इसका सीधा मिडिल में फोल्ड कर देते हैं। ये फोल्ड करके हम एक, पहले देखो आपको एक सिंपल नेकलाइन बनाता हूं मैं यू शेप में। ये 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच डीप रखता है इसका। इधर 3 इंच का एक मार्किंग कर लेने का, उसी सेम मार्किंग नीचे भी हम कर लेते हैं। उसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन बना देता है। अभी हमें 6 इंच का नेक मिलना है, इसलिए हम 6.5 इंच का डीप रखते हैं, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई में चला जाएगा। इसको ये साइड में भी इसी तरह लाइन बनाने का। ये लाइन मैंने इसलिए बनाता है क्योंकि हमारा शेप एकदम बढ़िया मिलना चाहिए। अभी देखो, इधर से मैं 3 इंच का एक मार्किंग इधर भी कर लेता है। अभी देखो, मैं इसमें शेप बनाता है फ्री हैंड, कोई टूल्स में यूज नहीं करता है इसमें। ये देखो, इसी तरह हम फ्री हैंड बनाता है, जो भी डिजाइन हम बनाता है फ्री हैंड ही बनाता है। इसी तरह इसका शेप बराबर बना देना। ये दोनों साइड में दो लाइन में इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा डिजाइन थोड़ा अच्छी तरह बन जाए, इसीलिए। ठीक है, ये अभी हमारा शेप हो गया। अभी हम इसको 1 इंच चौड़ाई रखता है, इसलिए हम इसको 3 जगह मार्किंग करता है। ये जो गुलाई बनाया है हमने, उधर भी हम मार्किंग करना है। फिर हम इसी पॉइंट को उसी तरह जैसे हमने अंदर बनाया उसी तरह फ्री हैंड आपने इसी तरह ड्रॉ कर देना। देखो, अभी हमारा शेप एकदम बढ़िया आ रहा है। अभी ये जो इधर से है, इधर भी हम 1 इंच मार्किंग करके इस साइड में हम स्केल रखे ही इसको सीधा मार्क कर लेता है। ठीक है, अभी हमारा नेक रेडी हो गया। लेकिन अभी एक बात ध्यान रखना, आप लोग जब भी काटने के टाइम पे ऐसा पकड़ के कभी मत काटना, क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर हिल सकता है हम कटिंग करने के टाइम पे, इसलिए आगे पीछे हो सकता है कटिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका ये जो एंड है इधर हम एक पिन मार देता है। ठीक है, इधर एक पिन मार देने का, नहीं तो आप सुई लगाओ कुछ भी करो, लेकिन इसी तरह आप उसको बंद रखो। ये स्टेपलर पिन सबसे अच्छा रहता है। फिर इसी तरह उसको पहले अंदर से काट देने का, हमें जितना जरूरत है नेक उतना ही हम काट के लेता है। देखो, हमारा नेक अभी काट के हो गया। इसके बाद में वो पिन निकाल के, ये देखो इसका दोनों साइड एकदम परफेक्ट रहता है। अभी हम इसको ये पिन निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, अभी देखो हमारा नेक एकदम बढ़िया बन के आया हुआ है। अभी हमें इसमें कपड़े में रख के प्रेस करना है, तो हमारा नेक बराबर बैठ जाएगा। ठीक है, अभी ये आपको सबसे इजी तरीका मैं बताया, कभी भी नेक इसी तरह काट के निकालना, क्योंकि हमें जो जरूरत है वही। अभी दूसरा एक और टिप्स दिखाता हूँ, ये आप लोग जरूर ध्यान से देख लेना।
ये भी वही सेम साइज में बनाता है, 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच का डीप रखता है इसमें भी। इसमें भी उसी तरह ही दोनों साइड में हम लाइन बना देता है, कभी भी ये लाइन जरूर बना देना। अभी हम इसमें दूसरा एक शेप बना देता है, वी शेप में बनाता है ये नेक। ये आप लोग देखिए मैं किस तरह बनाता है। ये जो इधर में 1/2 इंच का एक मार्किंग आता है, ये हमारे सिलाई का चले जाना है, लेकिन वो मार्किंग आप लोग ध्यान में रखना। अभी देखो मैं क्या करता है, अभी देखो इसी तरह एक मार्किंग करने का, वो मार्किंग में से हम इसी तरह वी बना देते हैं शेप, ठीक है। अभी ये जो साइड है इसमें भी मैंने एक फ्री हैंड शेप बना देता है। ये देखो ये जो लाइन हम इसलिए बनाते हैं, इधर देखो हमें अभी वो लाइन के हिसाब से इसका शेप आराम से बना सकता है। अगर उधर एक लाइन नहीं है तभी हमें वो बनाने में इतना आसान नहीं लगेगा, थोड़ा तकलीफ रहेगा आपको, और इसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया मिलेगा। अभी देखो ये 1/2 इंच का मार्किंग करता है हम, चौड़ाई हमें 1/2 इंच का रखता है इधर। इधर भी हम वही 1/2 इंच का मार्किंग, अभी इधर भी मार्किंग करता है, लेकिन अभी ये जो शेप में हमें थोड़ा देखने में थोड़ा फर्क दिखाई देगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसके बीच में एक और जगह हम वो पॉइंट 1/2 इंच का पॉइंट मार्किंग कर लेता है। अभी ये जो पॉइंट बनाया और पहले जो पॉइंट बनाया वो दोनों को मिला के हम लाइन बना देते हैं। ठीक है, अभी ये लाइन हो गया। अभी ये जो 1/2 इंच वाले लाइन को हम सीधा इसी तरह ही लाइन बना देता है। ठीक है, हमारा नेक का भी शेप एक दो बन गया हुआ है। अभी हमें इसको भी काटना है। अभी ये देखो पहले मैं इधर भी एक लाइन मार देता हूँ। ये लाइन किस लिए बनाते करके मैं कटिंग करके आपको बताता हूँ। अभी हमें इसको इसी तरह काट के निकाल देना है। अभी देखो इसको हम एक पिन मार के इसी तरह ही काट देते हैं। इसका पहले बाहर वाले साइड निकाला हमने, अंदर वाला साइड भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये हिलेगा नहीं ये साइड, क्योंकि उधर जो बेंड भी है ना ये हमने मोड़ के रखा हुआ है, इसलिए इधर नहीं हिलेगा। अभी देखो हम इधर तक काट के ये जो पीस इधर जो लाइन बनाया इसी तरह ही काटता है। ठीक है, हमने इस ये देखो ये ब्रिज में क्या क्यों रखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इसको ब्रिज बोलता है, वो हम काट के निकाल देता है, लेकिन अभी देखो इसका शेप देखो बराबर आपको शेप आ गया हुआ है। ठीक है, अभी ये कभी हम प्रेस करता है, प्रेस करने के टाइम पे गले का ऊपर वाला हिस्सा खुल सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, नहीं तो इधर उधर जा सकता है, शेप में थोड़ा फर्क आ सकता है। ये देखो ये ऊपर ये जो ब्रिज हमने रखा है इसलिए हम, क्योंकि ये कभी हिलेगा नहीं। अभी हम इसको कपड़े में रख के प्रेस करेगा तो एकदम शेप में बराबर बैठ जाएगा, वो ही इसका फायदा है, इसलिए ये ब्रिज रखा हुआ है। फिर उसके बाद में हम सीधा सिलाई करके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है,
अभी हम तीसरा एक और नेक बनाता है, ये इससे थोड़ा बड़ा बना देता है। ये जो मैंने पिनटक में एक नेक बनाया था, वो आपको उसका वीडियो देखेगा तो पता लगेगा इसका कटिंग के बाद में वो नेक में किस तरह लगाया हुआ है। इसके लिए ये भी उसी तरह ही हमने डबल फोल्ड किया हुआ है कैनवास में। आप लोग कभी भी ये ध्यान में रखना, कपड़े में कभी सीधा गला नहीं काटना। ये देखो, ये भी 3 इंच का मार्किंग करता है, उसके बाद में ये नीचे 4 इंच का मार्किंग कर लेता है। पहले जैसा हमने बनाया उसी तरह 3 इंच का मार्किंग और 4 इंच का मार्किंग करके इसको बॉक्स बना देता है। अभी मैंने आपको बताया था ये बड़ा बना रहा है नेक, इसलिए इसको थोड़ा डीप बना रहा हूँ। अभी इधर ऊपर से सीधा 10 इंच का मार्किंग करता है। इसमें एक बात आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये जो भी मैं मार्किंग करता है ये सब एक रेफरेंस के लिए कर रहा है। ये बाकी डिसेंट तो हम अपने मन के हिसाब से डिसेंट बना रहा है इसमें। अभी देखो, इधर मैं 1.25 इंच का एक और मार्किंग कर लेता हूँ। अभी हमें ये जो ऊपर वाला लाइन बनाया हुआ है वो लाइन को सीधा हम इधर तक लेके आता है। हमें इधर थोड़ा चौड़ा ज्यादा चाहिए, इसलिए हम इधर 1 इंच चौड़ा मार्किंग भी कर लेता है। ये पूरा 6 इंच का है, वो पहले इधर 6 इंच का मार्किंग करता है हमने। अभी मैं बताया इधर 1 इंच चौड़ाई ज्यादा रख के इधर एक मार्किंग करता है। अभी हम इसमें भी वही शेप, उसी तरह ही शेप बनाता है फ्री हैंड। उसमें ना कोई टूल्स है, कुछ ही नहीं यूज करते हैं, फ्री हैंड ही यूज करता है। इसमें देखो, मैं बताया आपको पहले भी, ये जो भी लाइन बनाता है वो सब हमें शेप, बढ़िया शेप मिलने के लिए। कभी भी नेक बनाने के टाइम पे इसी तरह फोल्ड करके ही नेक का शेप बनाना, क्योंकि दोनों साइड एक ही तरह शेप मिल जाए हमें। अभी देखो, ये शेप के हिसाब से मैंने जो 10 इंच का मार्किंग किया उधर नहीं जाता है, मैं उससे नीचे लेके जाता है इसको, क्योंकि वो शेप मुझे बराबर मिलना चाहिए। मैं आपको बताया था ये सब एक रेफरेंस के लिए मार्किंग कर रहा हूँ। बाकी जो डिजाइन आप हम अपने मन के हिसाब से उसका शेप जैसा जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से हम बना लेता है। ठीक है, अभी हम इसको सब 1.25 इंच का मार्किंग कर देता है सब जगह। इसी नेक का सिलाई आपको देखने के लिए मेरा पिनटक वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, तभी आपको पता लगेगा इसी शेप में जो नेक किस तरह बन जाता है। ये शेप नेक में फिट रहता है और नीचे 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 दूसरा बड़ा दिखाई देगा आपको। अभी हम इसी सारे पॉइंट को लाइन में कन्वर्ट कर देता है। और इधर देखो, इधर जो मार्किंग पॉइंट है उससे थोड़ा बड़ा के बनाता है मैं, क्योंकि हमें शेप देखने में भी सही लगना चाहिए, क्योंकि उधर वो जो कॉर्नर शेप है इसलिए अंदर जाएगा तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम उसको थोड़ा बढ़ा दिया। ये सब आप लोग अपने मन के हिसाब से जो अच्छा लगता है उसी तरह जरूर करना।
जो आप लोग में बहुत कलाकार लोग रहेगा, कलाकारों के लिए ये बनाना कोई काम नहीं रहता है, बहुत इजी काम है ये। ठीक है, अभी हमारा नेक एकदम हमारा शेप में बना के हो गया। अभी इसमें मैं दो जगह मार्किंग करता है, वो देखो, ये देखो ऊपर भी और ये जो मिडिल में भी। हमें इसमें दो ब्रिज बनाते हैं हम। ठीक है, अभी इसमें हम ये बढ़ाने के इसलिए पिन मारता है दो जगह, वो आप लोग अपने हिसाब से दो या तीन जगह पिन जरूर मारना, क्योंकि आपका नेक कभी काटने के टाइम पे हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी इसमें दो जगह मैंने पिन मारा हुआ है, ऊपर का हिस्से में भी और नीचे में भी। अभी हम इसका बाहर वाला साइड काट के इसको निकाल देते हैं पहले। आप लोग कैनवास काटो या बकरम काटो, वो सब इसी तरह ही काटना। ये देखो, इसका जो ब्रिज हम रख के, ब्रिज के जो दूसरे बाकी जगह है वो ही काट के निकाल लेता है। ठीक है, ये आपको इसका शेप बराबर अभी पता आया होगा। नक बनाना बहुत इजी काम है, लेकिन वो उसके लिए जो टेक्निक यूज करता है वो जरूर यूज करना। ये देखो, हमारा नक का शेप अभी इसी तरह मिल गया हुआ है। अभी हम ये दोनों पिन खोल देता है। इसमें अभी हमने दो ब्रिज इसलिए बनाया क्योंकि नीचे वाला हिस्सा भी थोड़ा चौड़ा ज्यादा है, जब हम कपड़े में रख के प्रेस करता है तो बिल्कुल उसका शेप नहीं जाना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ये देखो, हमारा शेप देखो कितना बढ़िया मिल गया हुआ है, उसमें दो ब्रिज भी है, ऊपर वाले हिस्से में भी नीचे वाला हिस्से में भी। ये देखो, इसी तरह हमें इसको कपड़े में रख के आराम से प्रेस करके इसमें चिपका सकता है, इसलिए हमने इसमें दो ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है, अभी ये जब सिलाई होता है, सिलाई के टाइम पे आप ये ब्रिज को छोड़ के बाकी किनारे से सिलाई कर लेना, क्योंकि ये जब कपड़े में चिपकाया तो आपको ब्रिज का जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े में चिपकाने तक ही हमें ब्रिज का जरूरत है, क्योंकि ऊपर भी गला चौड़ा नहीं होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, और नीचे भी इसका शेप जाना नहीं चाहिए। ये करके हमने दो ब्रिज बनाता है। अभी आपको चाहिए रहेगा तो उसको बीच में भी एक और ब्रिज भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो इधर भी एक ब्रिज आपको बना सकते हैं अगर आपको चाहिए रहेगा तो, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। अभी इसका किनारे से जैसा हमने सिलाई करते हैं उसी तरह सिलाई करके इसको फिनिश कर लेना है। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you for watching.